किस तरह से बनाए गए हैं ये चित्र और क्या है इनमें संदेश, जायजा लिया हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। कहते हैं कि जो बात 1000 शब्द भी नहीं कह पाते उस बात को बहुत ही आसानी से बयां कर देता है एक चित्र। जी हाँ, इन दिनों देश भर में लॉकडाउन है, ऐसे में अपने चित्रों के माध्यम से कलाकार रूपचंद एक बहुत ही अच्छा संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं। किस तरह का संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं, खुद रूपचंद जी से बात करते हैं। सर, किस तरह का संदेश देने का प्रयास किया है? ये जो 21 दिन का जो लॉकडाउन रहा है, इसके दौरान घर में रहते हुए ही मैंने यह है कि जन जन तक जो है मैं एक मैसेज पहुंचाऊं अपनी कलाकृतियों के थ्रू। जैसे 21 दिन का लॉकडाउन रहा तो उसमें मैंने बनाया है जितने भी हमारे जो अपना रक्षक हैं, हाँ, जैसे आप मीडिया क्षेत्र से हैं या मेडिकल क्षेत्र से हैं या फिर हमारे अलग अलग सफाई क्षेत्र से हैं, डॉक्टर्स हैं, तो उनके लिए मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है एज ए चित्रकार कि मैं उनका हौसला बढ़ाऊं। यहाँ पर आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चित्र बनाने का प्रयास किया है, क्या संदेश है इसके अंदर? मोदी जी, इस समय हमारे पूरे भारत देश के लिए एक अभिभावक के तौर पर एक काम कर रहे हैं, तो जो एक उजाला जो उस दिन जो हमारे रोशनी का जो पर्व उस समय हमने बनाया, तो उस समय मैंने वो चीज़ उन्हें लाइव उस तरह से देखा, मैंने उनके जो भाव हैं वो ये जो रोशनी है उस तरह से अपने रंगों के माध्यम से वो कहने की कोशिश की है। ये आपने सबसे पहले कौन सा चित्र बनाया और क्यों बनाया? भारत को मैंने दर्शाया है एक इंडिया गेट के रूप में, और यहाँ पर हमने इसे क्या एक मास्क पहनाया है, एक सेफ्टी पॉइंट है, एक ताला दिखाया लॉकडाउन, और 21 दिन चाबी के अंदर जो एक 21 दिन का जो एक मैसेज है कि भाई उसी में रहें, बाहर जो वायरस है वो चीज़ उससे हमें बचाएगा, तो हमें पालन करना चाहिए जो मोदी जी का आह्वान है हमारी सेफ्टी के लिए। इसमें एक वायरस को दिखाया है कि जो सुरक्षित हैं वो एक घर के अंदर हैं लॉकडाउन में, वही सुरक्षित हैं, और बाकी जो है वो अपना जो कोरोना वायरस है वो आदमी को इस तरह से ले सकता है, अपनी आगोश में ले सकता है, तो ये जरूरी एक मैसेज मैंने देने की कोशिश करी है इसमें। तो हमारे कर्म योद्धा के तौर पर मैंने दिखाने की कोशिश करी है, जैसे हमारे मीडिया क्षेत्र से कुछ हैं, जैसे आप यहाँ पे कर रहे हैं, बहुत ही आप सबों को बहुत बड़े साधुवाद है, तो जितने भी मीडिया क्षेत्र के लोग हैं, डीडी न्यूज से हैं, दूसरे और मीडिया से हैं, प्रिंट मीडिया से हैं, उन सबको बहुत बहुत मैं साधुवाद देता हूँ। उन्हें एक वो मैंने ये ट्रिब्यूट किया है, जो हमारे सुरक्षा कर्मी हैं, हमारी जो पुलिस है पूरे देश की, वो उसके लिए मैंने उनके लिए चित्र बनाने का जो है मैसेज दिया है, उनकी शरण में पूरी दुनिया दिखाई, भारत देश के लोग उन्हें किस तरह से वो सुरक्षित कर रहे हैं इन दिनों, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा इस तरह के जितने भी जो तीर्थ स्थल हैं सब कुछ सब बंद हैं, और लेकिन उनके अंदर के भगवान कहाँ हैं? वो उनके अंदर के जो भगवान है जो वो डॉक्टर के रूप में आजकल जो है अपना हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, तो ये एक मैंने मैसेज देने की कोशिश करी है कि उन्हीं का एक ये एक डॉक्टर को एक भगवान के रूप में इसमें मैंने दिखाया है, एक संदेश देने की कोशिश की है। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे संदेश देने का प्रयास किया है कलाकार रूपचंद ने, हालांकि घर में रहकर ही ये अपने सारे चित्र बना रहे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि आप और हम सभी लोग अपने घरों में रुककर कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में पूरा साथ देंगे। कैमरामैन एसपी दुबे के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज दिल्ली। तो रंगों और ब्रश के माध्यम से एक सार्थक संदेश, एक बेहद खूबसूरत अभिव्यक्ति, और तमाम लोग अपने अपने तरह से अपने अपने तरीके से इस संदेश को देने की कोशिश कर रहे हैं और इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। सामाजिक